हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग GSV 15R। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सही भैया ने। सो आज की वीडियो होने वाली है टेकटॉक्स के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से जो है ईजिली एंड बजट के अंदर अच्छा फ़ोन खरीद सकते हैं। इन स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आईफोन्स, एंड आप अपने पैसे को किस तरह से बचा सकते हैं, एंड रिसेंटली अभी क्या क्या नया मार्केट में आया है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक एप्पल का जो 13 आईफोन है वो लॉन्च हो चुका है, और अभी अभी कल जो है एप्पल ने अपना नया मैकबुक वो भी जो है मार्केट में अनवील कर दिया है, और उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ कर दी है जो आप सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। सो जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब के लिए और नॉर्मली जो व्लॉग्स वगैरह शूट करना चाहते हैं, सो मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है आईफोन 8 आपके लिए बेस्ट होने वाला है। 7 भी ले सकते हैं बट मेरे हिसाब से 8। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आईफोन 8, बिकॉज आईफोन 8 के अंदर आप 4K 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके जो नीचे के फ़ोन हैं उनमें आप वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सो आप उसको सेकेंड हैंड परचेज़ कर सकते हैं, ओएलएस के ऊपर काफ़ी अच्छे जो डील्स मिल जाती हैं। आप जाइए और किसी जेन्युइन बायर से उसको थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी जो आपका जो जानने वाला कोई दोस्त है उसको ले जाना पड़ेगा कि कहीं कोई चोरी का तो नहीं है या फिर कोई उसके अंदर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, लाइक उसका जो कैमरा की जो क्लैरिटी वो ख़राब नहीं होनी चाहिए और डिस्प्ले वगैरह, तो आप चेक कर लेना। और अगर आप सेकेंड हैंड आईफोन ख़रीदते हैं तो मेरे हिसाब से जो उसकी बैटरी परसेंटेज होनी चाहिए वो लगभग 90 के आसपास हो, उससे नीचे का ना ख़रीदे। 88-85 प्लस एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे आने पर, क्योंकि आप सभी को पता है अगर 80% से नीचे आ जाती है उसकी इफ़िशेंसी तो वो जो है अपने आप ही शट डाउन होने लगता है। सो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आप और थोड़ा सा अपने आप को जो अपग्रेड करना चाहते हैं तो आईफोन 11 ले सकते हैं। वैसे सबसे जो इनका अच्छा आईफोन मुझे लगता है दैट इज़ 10S या 10S Max, वो बहुत अच्छा, बट वो पता नहीं इन्होंने क्यों बंद कर दिया, वो सबसे अच्छा आईफोन था अभी तक का इनका मुझे जो लगता है। नहीं तो आप आईफोन 11 ले सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा सा बजट अच्छा है सो यू शुड गो फॉर 11 प्रो, दैट इज़ बेस्ट फ़ोन। डोंट गो फॉर 12 प्रो और 13 प्रो, 11 प्रो इज़ बेस्ट, और उसका कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली उसमें आप तीनों कैमरों को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, और जो 12 प्रो और 13 प्रो में मेरे हिसाब से इन्होंने ये जो फंक्शन है ये हटा दिया है शायद। सो आप 11 प्रो के लिए जाइए, और अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं स्पेशली ओएलएक्स के ऊपर या कहीं भी, सो आपको आराम से वो 50 के आसपास मिल जाएगा अच्छी खासी मेमोरी के साथ, तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और अगर नया ख़रीदना है तो अभी जैसे कि सेल वगैरह चलेगी दिवाली ऑफर के लिए, सो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बट प्लीज़ डोंट बाय ओवर प्राइज्ड आईफोन, स्पेशली 13, दैट इज़ हेल लॉट ऑफ ओवर प्राइज्ड। सो आप उससे बच के रहिए, अपने पैसों को बचाइए। और अभी अभी एप्पल ने नया लूटने का तरीका निकाला है आप लोगों को। आप सभी अगर इतना महंगा फ़ोन ख़रीदेंगे सो थोड़ा सा सुधर जाए, क्योंकि एप्पल ने जो है अपने फ़ोन को क्लीन करने के लिए अभी अभी एक जो है कपड़ा लॉन्च किया है, पॉलिशिंग क्लॉथ, एंड यू विल बी सरप्राइज, दैट इज़ फॉर $19, मतलब $19 का है, लगभग ₹1900 अगर मैं इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो। अब देख लो आप, वैसे कम पड़ रहा है इनको लूटना, सो अब क्या चाह रहे हैं कि अब $19 का जो है इनका क्लॉथ है वो ख़रीदो आप। अगर आप मतलब 1.5 लाख रुपये का आईफोन ले रहे हो सो ₹1800-1900 दो आप उसको साफ़ करने के लिए, जबकि आराम से आप एक कॉटन का जो कपड़ा ख़रीद सकते हो ₹5 का, ₹10 का, ₹20 का, ₹50 का, जो कि आप यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो ये हालत है इसकी। दूसरा, अभी इन्होंने जो है मैकबुक लॉन्च किए हैं उसका जो प्राइस है 1,20,000 से लेके तो 2,40,000 तक जाता है, और अगर बिल्कुल टॉप मोस्ट वेरिएंट लोगे तो 3.5 लाख तक भी जाएगा उसका। सो ये है इनका लूटने का तरीका। उसके बाद पहले वो पोर्ट्स हटा दिए, अभी वो वाले पोर्ट्स फिर से ऐड कर दिए, सो मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। सो मेरे जो सब्सक्राइबर अगर वो देख रहे तो प्लीज़ अपने पैसे को वेस्ट ना कीजिए, कोई वो नहीं है। अगर आपको आईफोन ही लेना है तो गो फॉर सेकेंड हैंड, और स्पेशली उस पर कोई वो तो आता नहीं, जैसे बाइक में RC वगैरह पे नाम आता है तो आप उसको ले सकते हैं, और बेस्ट तो रहेगा 11, दैट इज़ बेस्ट अगर आपको कोई वीडियो वगैरह बनानी है, क्योंकि उसमें फ्रंट में भी आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं और बैक में भी, और उसके अंदर 4K 60fps है। और अगर आपको चीपेस्ट चाहिए तो देन गो फॉर आईफोन 8, उसके अंदर 4K 60fps है, मैंने खुद चलाया और बहुत ही अच्छा कैमरा है उसका, उससे नीचे के में 4K 60fps नहीं है। एंड सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी का माइक चाहिए देन यू कैन बाय दिस, दिस इज़ बोया, और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है। अभी मैंने माइक नीचे लगाया, बस स्टिल यू आर गेटिंग क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस। सो आप इस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं। जब मैंने लिया था तब ये लगभग 1800-2000 रुपये का आता था, अभी लगभग ये आपको ₹1000 के आसपास मिल जाएगा। सो ये भी प्राइस कट है। जो न्यू बिगिनर्स यूट्यूबर हैं उनको स्पेशली ख़रीदना चाहिए, मैं उनको बोलूँगा बिल्कुल मस्ट बाय,
ये वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है। और अगर कैमरे के लिए आप आईफोन 8 को ख़रीद सकते हैं, और अगर आपको उसमें नहीं जाना है तो आप कोई भी अच्छी जो क्लैरिटी का 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़ोन आता है दैट इज़ गुड। बट कोशिश कीजिए अगर आप कोई भी आप फ़ोन ख़रीद रहे हैं उसके अंदर स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर वो होना चाहिए 600 के बाद का कोई भी ले लो, क्योंकि जब आप एडिटिंग वगैरह करोगे तो उसमें वो ईज़िली हो जाती है। अगर आप कोई MTK का ले लोगे या कोई सैमसंग के जो है कोई सस्ते फ़ोन ले लोगे तो उनमें जो एडिटिंग वगैरह अगर आप करोगे फुल HD को तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब 2-3 मिनट तो एडिटिंग होने में लग जाती है 5 मिनट की वीडियो। सो बस ये वीडियो मैं आपको बताना चाहता था कि आप अपने पैसे बचाइए, नया आईफोन ख़रीदना है तो वेट फॉर सेल। अभी जैसे चल रही थी आईफोन 11 के लिए 46,000 रुपीज़ में मिल रहा था आपको 128 GB, सो उसके लिए वेट कीजिए। एंड प्लीज़ ये जो पॉलिशिंग क्लॉथ है इससे बचिए, कोई दिखाने का कोई तरीका नहीं है। और बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टू सी यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।